हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का दोबारा से स्वागत है अंडमान लवर चैनल्स पर। और लगातार आप अपडेट पा ही रहे हैं, और थोड़ा सा मेरे को डिसअपॉइंट होता है कि अपडेट्स का आनंद जो है, बेनिफिट सब लोग ले जाते हैं, और जो मोटिवेशन करने का थम्सअप है लाइक, वो सब नहीं करते, निकल जाते हैं। मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि शायद आज से, इस वीडियो के बाद से, आप जो भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता है उसके लिए जितने लोग देख रहे हैं उतने व्यूज़ के मेरे को लाइक करेंगे, जिससे क्या थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ जाता है। खैर, कम टू द पॉइंट, और आपके लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये आपको डिसाइड करना है, लेकिन इट्स वेरी अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। तो मैंने दो, आई थिंक सेकंड लास्ट वीडियो में ये आप लोगों को पहले इंटीमेट कर दिया था कि जो अंडमान का जो वेदर है वो इस समय पे अपने नॉर्मल टाइम के हिसाब से ज़्यादा गर्म है, और जो टेम्परेचर है वो रियल टेम्परेचर 32 है, लेकिन फील लाइक 39 था। तो फील लाइक 39 इज़ फील लाइक, तो जो हमको फील हो रहा है वही हमको परेशान करेगा। 32 हो, लेकिन 32 रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फीलिंग बिकॉज ऑफ हाई ह्यूमिडिटी एंड और यूवी, उस सब की वजह से 39 का फील होता है, विच इज़ वेरी हाई। तो सर्दियों में भी क्या है, कम से कम 2-3 डिग्री डाउन था, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है, ज़्यादा ठंडा था रिलेटिवली, लेकिन दोनों ही टेम्परेचर ने सरप्राइज़ किया। तो उस वजह से मैंने एक सजेशन दिया था सभी लोगों की, वो अपना 3-4 अम्ब्रेला ऐसा सब चीज़ें लेके आएँ, और जो भी एसेंशियल सामान है वो आप लेके आएँ। तो अभी क्या है कि गर्मी जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, ठीक है। अदरवाइज़ मार्च, अभी होली आ रही है, परसों होली है, मार्च की होली मैंने कम से कम 23 सालों तक कार्बिन को ऊपर बीच पर मैंने एंजॉय किया है होली का, क्योंकि अलग ही माहौल रहता है, म्यूज़िकल शो रहता है, और आपका पूरा सी के अंदर क्या है, लोग गुलाल, ऑर्गेनिक गुलाल लेके सब खेलते हैं, और बहुत ही आनंददायक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। मतलब 1000-2000 आदमी एक साथ मिलके खेलते हैं। तो अब जो है वो बात थोड़ी सीरियसनेस की तरफ चली जाती है, सीरियसनेस की तरफ ऐसे, क्योंकि अंडमान की प्लानिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ये आप सब लोग एग्री होंगे, और इसमें जो सेल्फ प्लानिंग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मार खा ही जाते हैं। क्योंकि मेरी पुरानी 2-3 साल, चाहे कहीं भी उठा के देख लीजिए वीडियो, मैं एक ही बात बोलता हूँ कि अंडमान की प्लानिंग इज़ बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग, और उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी। तो एनीवे, बहुत सारे लोगों ने तो मेरे साथ प्लानिंग की है मिलके, तो उनको जो मैं अपडेट देने वाला हूँ उनको अपडेट ऑलरेडी जा चुका है बाय व्हाट्सएप माय पर्सनल नंबर। सो अपडेट ये है कि इसकी वजह से, हाई गर्मी की वजह से कंटिन्यूसली बे ऑफ बंगाल में डिप्रेशन हो रहा है, ठीक है। और ये डिप्रेशन जो है लगभग 14 मार्च से स्टार्ट हुआ था, 15 मार्च को थोड़ा सा और इंटेंस हुआ है, 16 को और इंटेंस हुआ, क्योंकि लगातार हम इसको फॉलो करते हैं यहाँ पे रहने की वजह से। और अभी आज 17 है, तो 17 मार्च को ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस का रूप ले रहा है। तो इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है, और ख़ासकर उन लोगों को फ़र्क पड़ता है जो लोग इस पीरियड में आ रहे हैं, समझ रहे हो, दूसरे जो इस पीरियड में यहाँ पर हैं, और वो जो मैं डेट्स बोलूँगा उन डेट्स के आसपास यहाँ से निकलने वाले हैं, ठीक है। तो इसका जो पॉसिबल इफ़ेक्ट अंडमान निकोबार में आने की जो पॉसिबिलिटी है वो 19 मार्च से है, ठीक है। तो 19 मार्च के आसपास, अभी क्या ये प्लस माइनस 1 डे हो सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ ये 19 को चल रहा है, और 19 मार्च को, यानी कि इसके अंदर वेरी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल है, 19 और 20, यस 2 दिन इसके हैं, और लगभग गस्टी विंड्स हैं, और लगातार इंटीमेशन आ रही हैं, एडवाइज़र नॉट नॉट टू वेंचर इन द सी, बिकॉज सी इज़ गोइंग टू बी वेरी रफ़। तो वेरी रफ़ होने की वजह से आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए मैंने बोला था आप मार खा जाते हैं सेल्फ प्लानिंग में। एनीवे, तो सी रफ होने की वजह से क्या होगा, 2 पॉसिबिलिटी हैं, जो लोग 19 को आ रहे हैं या 19 को जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से, या 20 को आ रहे हैं या 20 को जा रहे हैं, उसकी 2 संभावना ये है, या तो फ्लाइट अगर बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम रही तो उसका लैंड करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा बारिश और हवा की वजह से हमेशा फ़्लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ से टेक ऑफ में भी आपको प्रॉब्लम होने की संभावना है, तो दीज आर द रियल चांसेस। तो इसलिए और इसके बारे में कैसे प्रिडिक्ट किया जाए, प्रिडिक्ट तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता कि कैसे इसको करना है, क्योंकि अंडमान का वेदर इज़ नॉन प्रिडिक्टेबल, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जो होके चले गए बिकॉज ऑफ देयर गुड लक, लेकिन यहाँ कभी भी हो सकता है। जनवरी फरवरी में बारिश नहीं होती, इस बार जनवरी फरवरी में भी बहुत बारिश हुई है, और तो 19th और 20, ठीक है, मार्च आप डेट नोट कर लीजिए। अभी वो क्या है, 2021 हो सकता है, 1920 हो सकता है, दो दिन का सीवियर वेदर है, तो आपकी जो प्लानिंग है उसको चेकआउट कर लीजिए। इसलिए मैं अभी रात को ही इसको आपको बता रहा हूँ कि आने से पहले या फिर जो भी लोग इस वीडियो को देख पा रहे होंगे तो वो मेंटली प्रिपेयर रहें, उनको ऑल ऑफ द सडन सरप्राइज ना मिले, तो ये दोनों संभावना हैं। तो अगर इस केस में अगर जो लोग आ रहे हैं मेनलैंड से अंडमान में, तो अगर फ़्लाइट नहीं आई और वो एयरलाइन की तरफ से कैंसिल हुई तो क्या आपको कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि वो रीशेड्यूल हो जाएगी। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी, क्योंकि मैक्सिमम लोग थोड़ा सा बजट फ्रेंडली की वजह से कराते हैं, होटल्स खुद कराते हैं, और कोई सजेशन नहीं है उनके पास, कोई गाइडेंस नहीं है प्रॉपर गाइड करने वाला, तो अपने बेस पे, अपने विवेक के बेस पे वो जो करते हैं वो बहुत सारी चीज़ नॉन रिफंडेबल होटल्स कर लेते हैं। नॉन रिफंडेबल मीन्स अगर आप 19 को नहीं आए तो 19 की तो बुकिंग है ना आपकी पोर्ट ब्लेयर में, वो आपकी जाएगी, और अगर आप 19 को किसी वजह से 18 को आ गए हैं, यहाँ पे हैं और 19 को सेल करने वाले हैं हैवलॉक के लिए, तो रेन अगर बहुत ज़्यादा रफ हुआ, बहुत एवरेज है, देन दे कैन सेल, इट मे टेक टाइम, बट आप सेल नहीं कर पाएंगे वेरी रफ में, तो वो अलर्ट हो जाता है। तो आपको क्या है, अरेंजमेंट करना पड़ेगा अभी से ही, ये सोच के चलिए, क्योंकि आपका 20 का एकोमोडेशन तो क्या है, या 19 का एकोमोडेशन तो आपने सपोज 19 से मान के चलें, क्योंकि 19 से वेदर ख़राब होने की प्रेडिक्शन है, तो 19 में आप या तो हैवलॉक पहुँचेंगे या पोर्ट ब्लेयर पहुँचेंगे। तो जो लोग 18 को आ चुके हैं, 19 को अगर हैवलॉक जाएंगे, तो हैवलॉक अगर नहीं जा पाए रफ वेदर की वजह से, तो दे स्टार्ट थिंकिंग दे आर न्यू प्लेस टू स्टे एट पोर्ट ब्लेयर, ओके, क्योंकि वहाँ तो उन्होंने एक ही दिन का कराया है। तो इफ़ द रूम्स आर अवेलेबल देन दे कैन कंसल्ट द रेस्पेक्टिव होटल्स की भाई माइट बी वी हैव टू एक्सटेंड, हमें एक्सटेंड करना पड़े। जो लोग हैवलॉक में हैं, सिमिलर सिचुएशन उनके साथ है, वो पोर्ट ब्लेयर नहीं आ पाएंगे, जो नील में हैं वो भी नहीं लौट के आ पाएंगे। तो इस तरीके से किसी को भी घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर चलता रहता है। एक या दो दिन का होता है जिसमें एक दिन काफ़ी इंटेंस होता है, बाकी वो फिर स्लो डाउन हो जाता है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाता है। तो मेरी एडवाइस ये है, पैनिक ना रहें। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का मकसद यही है कि आपको पहले से मेंटली आप प्रिपेयर रहें, जिससे क्या है आप पहले से अरेंज करा सकें। थोड़ा बहुत फाइनेंशियल अप और डाउन हो सकता है, तो उसके लिए मैं आपको बोलता हूँ पैनिक नहीं होना है कि मेरे 5,000 खर्च हो गए, 10,000 रह गए, 20,000 रह गए। देखो, घर से बाहर निकलते हैं तो पैसे खर्च होते ही हैं, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सभी हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं और मैं भी उसको फॉलो करता हूँ, जान है तो जहान है, समझे ना, पैसे आ सकते हैं तो, और साइक्लोन का एंजॉय कीजिए, समझे ना, इसको ऐसे पॉजिटिव लीजिए, साइक्लोन को एंजॉय कीजिए, साइक्लोन को पैनिक मत कीजिए, क्योंकि वो नेचुरल कैलमिटी है, उसको किसी का कंट्रोल नहीं है, ना मेरा, ना आपका, ना किसी बड़े डेवलप कंट्री किसी का कंट्रोल नहीं है, उसको आना है वो आएगा, वो नेचुरल है। तो यू एंजॉय इट, यू सिट इन द बालकनी, सी द हैवी रेन, द फर्स्ट टाइम यू एक्सपीरियंस साइक्लोन, टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव फ्रेंडली मैनर, सपोर्टिव मैनर, ठीक है, फेरी निकल गई, निकल जाने दो यार, डेस्टिनी में ऐसा था, कोई बात नहीं, लेकिन बट वी आर सेफ, वी आर अंडर रूफ, ठीक है। जो हैवलॉक में थोड़े पैसे लगेंगे, लग जाने तो बाद में पैसे कमा लेंगे, और ठीक है, लेट्स एन्जॉय एंड हैव अ टी, अरे भाई गरम गरम भजिया ला दे, गरम गरम पकौड़े ला दे, लेट्स एन्जॉय और योर ट्रिप, ओके। तो थोड़ा सा मेरे को लेट हो गया अपने काम में, क्योंकि कल मैं इस न्यूज़ को देने वाला था, बट ऑलरेडी जिनकी ट्रिप मेरे साथ प्लान है, जिनके मेरे गाइडेंस में, वो तो मैं न्यूज़ दे ही दिया है, लेकिन अभी आप लोगों के पास भी एडवांस में ये न्यूज़ है, तो इसलिए बी मेंटली प्रिपेयर, अपने साथ छाते का, अपने कपड़े वगैरह जो हिसाब से रखें, और बिल्कुल पैनिक ना करें। अगर टेक ऑफ नहीं कर रही है, नहीं फ्लाइट यहाँ से आप नहीं निकल पा रहे हैं, तो इट्स नेचुरल कैलमिटी, इसकी वजह से नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है। जब साफ़ हो तभी निकलें,
फ्लाइट अगर कह रही है नहीं जा रही तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मैंने बोला फाइनेंशियल होगा कोई बात नहीं, अब क्या करें उसको, आपके कंट्रोल में भी नहीं, किसी के कंट्रोल में भी नहीं है। तो मेरा मतलब ये है आप पॉजिटिव रहें, चीयरफुल रहें और निकल जाएगा, फिर चले जाएँ। और सपोज़ अगर ये न्यूज़ मिले ही नहीं है आपको तो क्या, ऑल ऑफ द सडन आपको सरप्राइज़ होगा। अभी एटलीस्ट यू हैव ए टाइम टू मेक अप योर माइंड। तो एनी वे दिस इज़ आई थिंक ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। सो बाकी जो हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं गुजरात से, इधर से कुछ लोग पुणे से, वो लोग तो प्लीज़ है ना, तो अपने साथ जुड़े रहिए और अपन अच्छी ट्रिप प्लान करेंगे और सब करेंगे। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, ठीक है, और चलिए मिलेंगे, बाय। और कुछ न्यूज़ होगी तो आई विल अपडेट, कीप इन टच।